लाडलो क्रमपाल जी के अलावा एक छोटी सी मुलाकात मारी हुई मंजू शर्मा जी थे, और मंजू शर्मा जी ने जो रागनी क्रमपाल जी ने अकेले ने सोलो में गाई है वे रागनी उनने मंजू शर्मा जी के साथ में ड्यूट में भी गाई है। और मंजू शर्मा हालांकि हरियाणवी जो रागनी कला है उससे काफी दूर थी, और क्रमपाल जी उनने हरियाणवी रागनी क्षेत्र के इतना नजदीक लेकर आए, तो मंजू शर्मा तो जो हमारी छोटी सी बातचीत हुई वो आपके सामने हम लेकर आए हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। पहले सुनिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। तो आप मास्टर जी तक किस तरह मिले? बस इनसे तो मुलाकात मेरी रागनियों के माध्यम से हुई। अच्छा। और आज मैं जो भी कुछ गा रही हूँ इन्हीं की बदौलत गा रही हूँ, इन्होंने ही सब सिखाया है। अच्छा। यानी कि मतलब लैंग्वेज भी ये हरियाणा लैंग्वेज भी इन्होंने ही। अच्छा, मतलब पहले आपको हरियाणा इतनी आती नहीं थी। मतलब यानी कि मेरे गुरु भी यही हैं और पति तो हैं ही। वैसे हैं कहाँ से आप, बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ प्रॉपर। अच्छा। तो फिर रागने के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में कैसे? गायन के क्षेत्र में मेरे को शुरू से ही शौक रहा गाने का, तो और शुरू से ही मतलब कॉलेज में पार्टिसिपेट करते रहे कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे टीचर्स लोग बाहर भी ले जाते थे, रैलियाँ होती थी जैसे, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, बाहर ले जाते थे, अंताक्षरी के प्रोग्राम्स होते थे, कंपटीशन होता था उसमें, तो उसमें भी हम गाते रहे शुरू से ही। शौक बहुत अच्छा सा। अच्छा, वो तो था जो मतलब बचपन में जो गाना गाया, प्रोफेशनल रूप तक किस तरह आपने मतलब गाने की तरफ कदम बढ़ाया? प्रोफेशनल के उसमें यही था कि मतलब मैंने भी जैसे ये बता रहे थे एनसीईआरटी के ये 18 लैंग्वेज में ये वो चले, तो मैंने भी इसकी ट्रेनिंग ली थी, हमें भी ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, और हमें ये बोला गया कि भाई आप लोगों को भी इस गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ये देना है, प्रशिक्षण देना है। तो मैं अपनी कॉलेज की तरफ से गई थी, तो कुछ इनको आते थे सॉन्ग्स बहुत ज्यादा, तो सारी लैंग्वेजेज में तो ना मेरे को आते थे ना इनको आते थे, दोनों ने अपना सामंजस्य बैठा के। अच्छा। दोनों ने वो इन्होंने हारमोनियम प्ले किया, मैंने तबला प्ले किया, दोनों ने फिर पूरे गौतम बुद्ध नगर में जितने भी टीचर्स आए थे हमने प्रशिक्षण दिया, वहीं से फिर ये कहने लगे तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तुम, तो मैंने भी ये कहा मैंने कहा भाई पहले मैं गज़ल वगैरह ये जो वो थे सॉन्ग फिल्मी सॉन्ग थे ये ज़्यादा पसंद करती थी, गाती थी मैं। अच्छा। रागनियों से कोई ऐसा संबंध नहीं था। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम मतलब लोकगीत में जल्दी से सक्सेस हो जाओगे, गज़ल है भजन है इसमें काफ़ी लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इसमें शायद ज़्यादा सक्सेस ना हो पाओ, लोकगीत चालू करके देखो, लोकगीत गा के देखो, शायद इसमें अच्छा सक्सेस हो सकोगे तुम। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर कहने लगे कि इसमें कैसेट में मैंने 2-3 गाने भरे, उन्होंने भरवाए शर्मा जी ने, तो ये कैसेट फिर लेकर गए वहाँ स्टूडियो, और स्टूडियो में उन्होंने पास कर दिया मेरी आवाज़ को, बस फिर ये रागनी से गाने लगे। अच्छा। फिर हमने सबसे पहला किस्सा तैयार किया सत्यवान सावित्री का, बहुत हिट गया, बढ़िया गया, सबने खूब पसंद किया। तो मुश्किलें तो बहुत आई होंगी हरियाणवी सीखने में? हाँ, मुश्किलें तो काफ़ी आई लैंग्वेज में, वही है कि एक एक शब्द कई कई बार मेरे को बोलना पड़ा। अच्छा। तो अच्छा, आपने भी मतलब कहीं कोई इसकी एजुकेशन लिया है संगीत की? हाँ, एजुकेशन लिया है मैंने शास्त्रीय संगीत में, मैंने 6 ईयर किया है, विशारद और प्रभाकर मैंने दोनों डिग्रियाँ ली हैं। अच्छा। और MA म्यूजिक से किया है, म्यूज़ किया है, हिंदी से MA किया है, म्यूजिक से किया है, BEd किया है, BTC किया है, ये सब। तो अच्छा, अभी आप जॉब कर रहे हैं? हाँ, अभी जॉब कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ पे? हाँ, BA करने के बाद मैंने BTC किया, फिर मेरी जॉब लग गई, फिर मैंने रोहतक ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BEd किया, और उसके बाद फिर ये झारखंड उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से उससे ये MUs किया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जॉब करते करते जब मतलब आप गाने की तरफ गए तो कुछ अड़चन नहीं आई कि भाई जो भी कर रहे हो? नहीं, मैनेज कर लिया बस।
अब जैसे गाने की जरूरत पड़ती थी तो संडे वनडे का टाइम रख लिया करते थे, जैसे रिकॉर्डिंग का वो होता था तो संडे का टाइम रख लिया करते थे। और गर्मियों में दोपहर तक रहता है, 8 से 1 का स्कूल रहता है, 1 के बाद वो कर लिया करते थे, हम प्रैक्टिस कर लिया करते थे इनकी। अच्छा, तो मतलब आपने भी पारंपरिक शिक्षा ली है, हाँ जी, और तो आपने कभी रेडियो या दूरदर्शन पर ट्राई नहीं करा? हाँ किया था मैंने, ऑडिशन रेडियो स्टेशन पे भी दिया और नाटक का भी दिया, भजन का भी दिया, गजल का भी दिया, और क्या नाम है, ये मैंने दूरदर्शन पे भी ऑडिशन दिया। ये तो मैंने ये रागनियों से पहले ही, मतलब इनसे मिलने से अच्छा, पहले ही मैं इनको ऑडिशन तो देकर इनसे आई मिलने से थी। पहले आप मतलब रेडियो पे या शुरू से ही शौक था जैसे मेरे को, अच्छा नहीं, वहां पे गा चुके थे आप पहले? ऑडिशन दिया था, बस अच्छा, गाया ऑडिशन नहीं दिया था। था, अच्छा ऑडिशन दिया था गाने तो का, फिर मतलब गाया तो आपने फिर पहले तो इनके साथ रागनी में? में ही गाया सीधा। अच्छा, तो रागनी में कितने किससे कितने रागनी गाई होंगे आपने? ऐसे तो मुझे मेरे को याद नहीं है, लेकिन मतलब जितना इन्होंने सोलो गाया उस उसके बराबर तो गाया ही, 1.5 गुना गा लिया होगा। अच्छा, तो हाँ इनके अलावा साथ में गाने के अलावा कभी आपने सोलो में भी गाया कहाँ पर, कहीं पे भी, कैसेट में, दूरदर्शन पे, नहीं रेडियो पे सोलो या? भी गाया मैंने, ड्यूट में भी गाया, अच्छा जैसे पूरे पूरे किस्से होते तो जैसे जैसे मतलब वो पात्र चेंज होते रहते हाँ, हैं वैसे स्टोरी चलती रहती है, तो उसमें सोलो भी आते रहते तो हैं, ड्यूट रागनी भी गाई आते आपने रहते हैं, कभी? रागनी गई, रागनी की तो अभी आप जॉब भी कर रहे हो, गा भी जो रहे हो, तो आगे फिर क्या प्लान फ्यूचर के लिए? आगे की बस रागनियों का ही गाने का चलता रहता है प्रोग्राम, तो और जो जैसा कि अब ये ट्रस्ट बनाया है हमने इसके अकॉर्डिंग तो जैसे जैसे प्रोग्राम मतलब होते माता रहेंगे, जी का ही साथ हाँ नए में? नए मुद्दे उठाएंगे इसमें, और जगह जगह जाके स्टेज प्रोग्राम करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे प्रदूषण के प्रति, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितने भी ये हैं जनसंख्या का है, ये प्रोग्राम कर करके लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, अभी तो यही प्लानिंग है। तो मंजू जी, आपने माता इतना टाइम दिया आपके लिए, हालांकि आपके खाते में टाइम तो काफी कम नहीं है कोई बात नहीं तो ये आपका तो बहुत 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 धन्यवाद हो। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो लाड लो, ये तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास था हरियाणवी रागनी जगत में और हरियाणवी संस्कृति में अपने एक उच्च स्तर पर पहुंचाने में करमपाल जी का के योगदान था, और के उनने मुश्किल आई, के उनने अड़चन आई, तो आगे भी हमारा ऐसा प्रयास जारी रहेगा, और हम और भी कलाकारों की जो जीवन से जुड़ी हुई कहानी है वो आपके सामने लाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से। हमारा ये प्रयास आपने किसा लग गया हमने जरूर बतावे। धन्यवाद।